पति के उत्पीड़न के शिकार महिला उत्तर प्रदेश की कांधला पुलिस को बार बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने से नाखुश होकर महिला ने स्पेशल महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद कांधला थाने पर पहुंची महिला एवं बाल विकास विभाग की आशा ज्योति केंद्र की कार्यकर्ता के द्वारा पीड़ित महिला का बयान पर मुकदमा दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मोहल्ला खैल निवासी रूबीना का है। रूबीना की शादी 10 वर्ष पूर्व हरियाणा राज्य के जिला पानीपत के थाना इसराना के गांव पलरी निवासी नवाब पुत्र नवसीबू के साथ हुई थी। शादी को 6 वर्ष बाद दहेज की मांग को लेकर महिला को उसके पति ने घर से निकाल दिया था। तभी से महिला कस्बे में अपने मायके में रह रही थी। आरोप है कि 14 नवम्बर 2017 को महिला का पति अपने परिवार के साथ कई लोगों के साथ अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। आरोप है कि महिला के विरोध करने पर उसके पति ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गया। मामले में महिला ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में कार्रवाई न होने से पीड़ित महिला ने महिला एवं बाल विकास विभाग की आशा ज्योति केंद्र में फोन कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी। गुरुवार को आशा ज्योति केंद्र की सुगम कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने थाना पहुंचकर पीड़ित महिला के बयान दर्ज कराकर पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। थाना आई हो किसी महिला की शिकायत पर, क्या पूरा मामला हम बताएंगे? जी, थाना कस्बा से एक महिला की शिकायत हमारे नंबर पे आई और उस महिला का ये कहना था कि मेरी FIR नहीं हो पा रही है, उनके जो पति हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और मारपीट का भी मामला था। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे पहुँचे और हमने उनकी FIR कर दी। तो सर, थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने वालों ने उनकी FIR दर्ज की कर ली है और उनका एक केस जो पहले से ही कोर्ट में चल रहा है उसी से रिलेटेड ये भी FIR की गई है। तो आगे कार्रवाई कोर्ट की होगी और कोर्ट ही इसको देखेगा। उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट।